हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछला वीडियो भी अपलोड किए थे हम लोग इसी से रिलेटेड, अब उसका समझिए कि एप्लीकेशन है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 3.18 क्वेश्चन निकाल लो, वीडियो पॉज कर लो और फिर इसको आगे कंटिन्यू करो। तो 3.18 में क्या करना है, हम लोग को बताना है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है। तो बाकी सारा चीज हम पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर, इलेक्ट्रोड के नेचर, आयंस जो बनते हैं उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नेचर के वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद Ag इलेक्ट्रोड। देखिए सिल्वर इलेक्ट्रोड है, दैट मींस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन था, प्लेटिनम और गोल्ड, ओके। चलिए तो AgNO3 डिसोसिएट करके Ag आयन और नाइट्रेट आयन देगा, ठीक है। दोनों में से कैथोड पर कौन जाएगा, तो जो पॉजिटिव वो कैथोड पर जाएगा, ये अपना चार्ज हटाएगा, Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एनोड पे क्या है, नाइट्रेट आयन आएगा, ऑब्वियस सा चीज है। नाइट्रेट आयन का आप वैल्यू देख लीजिए, नाइट्रेट आयन का वैल्यू है +0.94 और सिल्वर का वैल्यू है +0.80, ठीक है। यानी सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना। अब आप यहाँ एक चीज गांठ बांध लो जो बाकी सारे क्वेश्चन में यूज होगा, ओके। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिस आयन का, उसका कैथोड पर रिडक्शन होगा। जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, उसका एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यानी जब आयन्स के बीच में कंपटीशन होता है कैथोड या एनोड पर डिपोजिशन को लेकर, तो कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है। तो आयन्स के बीच, जैसे यहां पर क्या है, Ag प्लस है, इसके साथ H प्लस भी है, तो आयन्स के बीच जब कंपटीशन होगा तो कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वो सेलेक्ट होगा, एनोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, आप ये तो समझ गए कैथोड पर Ag प्लस आया, चार्ज हटा, Ag में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एनोड पर क्या है, सिल्वर भी है कंपटीशन में क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है और नाइट्रेट आयन तो है ही, ठीक है। यहां पर नाइट्रेट का आयन आप वैल्यू देख लो +0.94, सिल्वर का वैल्यू +0.80। तो क्योंकि सिल्वर का वैल्यू कम है इसलिए एनोड पर उसका सिलेक्शन होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो सिल्वर से सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो गया। ये सिल्वर आयन जो नाइट्रेट आयन अवेलेबल है सॉल्यूशन में, उसके साथ रिएक्शन करके AgNO3 बनाएगा। तो ओवरऑल आप अगर देखिएगा तो प्रोसेस में हुआ क्या, AgNO3 से स्टार्ट हुआ था, AgNO3 बन गया। तो फिर क्या रिजल्टेंट हुआ, रिजल्टेंट ये हुआ कि AgNO3 का प्यूरिफिकेशन हो गया। इस प्रोसेस को AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, बाकी जितना इंप्यूरिटीज था वो सॉल्यूशन में ही रह गया, AgNO3 प्यूरिफाइड हो गया। पहला क्लियर है। सेकेंड में आप देख लो, बाकी तीनों क्वेश्चन जो है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लेकर बनाया गया, यानी इलेक्ट्रोड का यहाँ पर कोई रोल नहीं, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ओके। और बाकी तीनों में एक चीज कॉमन है कि कैथोड का रिएक्शन में कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि तीनों जगह आप आराम से देख लेना वीडियो में, तीनों जगह H प्लस का कंपटीशन मेटल से है, हाइड्रोजन का कंपटीशन मेटल से है, और मेटल्स जितने इसमें अवेलेबल हैं जो भी क्वेश्चन में है उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से अधिक है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा चीज है कि सारा मेटल का ही रिडक्शन होगा, सारा कैथोडिक रिएक्शन के लिए मेटल विनर है क्योंकि सारा जगह मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, ठीक है। जैसे इसमें सिल्वर का ज्यादा है, यहाँ पे कॉपर का ज्यादा है, यहाँ तो H प्लस है ही, ठीक है। एनोडिक पार्ट को आप पकड़ते हैं, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे एनोड आपका दो है, दो पॉसिबिलिटी है, एक नाइट्रेट आयन के साथ एक हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। आप दोनों का वैल्यू कंपेयर कर लो, यहाँ पे +0.94 है नाइट्रेट का, हाइड्रोक्साइड का देख लो +0.40 है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू कम है तो इसका सिलेक्शन होगा, ठीक। थर्ड में आ जाओ, H प्लस H2SO4 से भी प्राप्त होगा, H2O से भी H प्लस प्राप्त होगा, तो यहाँ तो कैथोड का विनर H प्लस ही है, कोई कंपटीशन नहीं है। एनोड में फिर लफड़ा है, एक सल्फेट आयन है, ठीक है, और एक नाइट्रेट आयन, सॉरी सल्फेट आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन है। तो सल्फेट आयन का वैल्यू आप देख लो +1.96, हाइड्रोक्साइड आयन का +0.40, तो इसका वैल्यू कम है, एनोड के लिए जिसका वैल्यू कम होगा उसी का सिलेक्शन होना है, तो फिर यहाँ पे वो जीत गया। फोर्थ पॉइंट में क्या है, यहाँ पर क्लोराइड आयन का वैल्यू
अधिक होता है, लेकिन फिर भी यहाँ एनोड पर इसका सिलेक्शन हो गया है। तो इसका कारण होता है ओवर पोटेंशियल, ये पिछला वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप एक बार पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से 3.18 ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है ना आपका, ये वैल्यूज है, ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये वैल्यू है। ये आप इत्मीनान से वीडियो जब खत्म होगा तो आप एक बार रिवर्स करके कोशिश करिएगा समझने का। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझ में भी आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। ये वैल्यू क्या है, आपको बताता है कि कंपटीशन किनके बीच है, कौन जीतेगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। कैथोड पर उसका सिलेक्शन होगा जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, एनोड पर उस रिएक्शन का सिलेक्शन होगा जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है। तो आप दोनों जगह कंपेयर करके देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग है। अब आप सोचेंगे कि एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, ये वैल्यूज कहाँ से होगा। तो पहली बात, ये वैल्यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है जिसको हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपको एनसीईआरटी का 69 पेज नंबर में भी आपको मिल जाएगा, डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, हर जगह अवेलेबल होता है। एग्जाम की बात है तो एग्जाम में ये आपको वैल्यू दिया रहता है, प्रोवाइड किया रहता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का इस टॉपिक का सारा चीज खत्म। ओके, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और एनसीईआरटी को अनलॉक करते रहिए मेरे साथ, ठीक है, बाय।